कि इस तरह रब को क्या कहने हैं, इस तरह रब को मनाया कीजिए। बहुत अच्छे भाई। दूसरा, अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं, और निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में आते हैं। निजाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फकत एक बार ही मस्जिद में आते हैं। आइए दोस्तों, आज की इस स्टेज पर मुल्क नेपाल का बाकमाल लहजा, शेर व अदब के उफक पर आफ्ताब बनकर चमकने वाली आवाज, बड़ी पाकीजा और तकद्दुस माब आवाज, नहायत शराफत शाइस्तगी संजीदगी मतानत दुरुस्तगी के साथ महबूब खुदा हम सब के आका मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करने वाली आवाज, बिरादरे मुकर्रम आली जनाब मोहम्मद फैयाज फैजी साहब से मोहतबाना दरख्वास्त करते हैं, इन मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल के सुखन को रंगे उलूम व फुनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है, और जैसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। हाजरीन गिरामी, वक्त काफी हो चुका है और सर्द भी अच्छी खासी पड़ रही है। मैं ज्यादा देर आपके बीच हायल नहीं रहूंगा, सिर्फ एक मतला और दो शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि मैं बारहा आपके बीच गाहे बगाहे किसी न किसी प्रोग्राम में मुझे समाप्त करते रहते हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामद बरकात मलालिया का खिताब होना है, बहुत मुख्तसर सा खिताब होगा, उनके बाद जिनके मुंतजिर हैं आप इंशाल्लाह उनका खिताब होगा। नाते पाक का एक मतला एक शेर पेश किए देता हूँ, बतौर खास मुलाज़म फरमाए, एक मरतबा पूरा मजमा सुभान अल्लाह की सराएं बुलंद करे और मुझे इजाजत दे, बोलते लहक के सुभान अल्लाह। के इस तरह रब को क्या कहने हैं, इस तरह रब को मनाया कीजिए। बहुत अच्छे भाई। दूसरा मिसरा आप तक पहुंचेगा, दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह आपकी। के इस तरह रब को मनाया कीजिए, इस तरह रब को बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए, बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए,
मत को बनाया कीजिए, बिगड़ी किस्मत को बनाया कीजिए। अरे मैं अपनी जगह इस वजह से कि हमारे बहुत से मेहमान मुकर्ररीन हजरात तशरीफ रख रहे हैं, मैं अपने मेहमानों को मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो आपके बीच अपना अपनी जो बात या उनका जो खिताब है ज्यादा से ज्यादा आप समाप्त करें। आखिरी शेर मदारिस इस्लामिया के हवाले, उम्मीद है कि हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी को ये मेरा शेर जो है जरूर याद हो जाएगा, बतौर खास मुलाजा फरमाए। के घे बनाना बाद में दो से तो घे बनाना बाद में दो से तो घे बनाना बाद में दो से तो अरे मदरसा पहले बनाया कीजिए, मदरसा पहले बनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए, सर को सजदे में झुकाया कीजिए। बोश 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 बोश।